हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन है रेखाएं और कोण से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एक एंगल पे 90 डिग्री का, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। तो देखिए 90 डिग्री बना हुआ है, और ए बी बराबर है एसी के। ए बी बराबर है एसी के, तो हमें ज्ञात करना है एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, यानी एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें क्या दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। देखिए, ठीक है, जो भी दे रखा है हम लिखेंगे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। यहाँ पे देखिए, तो लिखिए ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसकी। तो इससे निकल के क्या आता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक रीजन लिखूंगा आपके लिए, उसका यहाँ आप लोग याद रखेंगे। समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कारण लिख दिया है, समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे इस पे, ए हमारा कितना है 90 डिग्री, बी कितना है, बी और सी दोनों हमारे लिए बराबर हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एंगल बी, टू इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे टू इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 180, और इस 90 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 को 2 से कट कर दीजिए, तो कट करने पे कितना आ गया, 45 डिग्री। तो b एंगल b इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एंगल b इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी बी और सी की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 45 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।